जो है गुड मॉर्निंग ओबेसिटी। मैम। गुड मॉर्निंग, सो गुड टू सी यू ऑल एंड ग्रेट वर्कआउट। और अब चलते हैं कुछ और उपयोगी बातें। बिमला जी मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं। बिमला जी वीडियो ऑन करें प्लीज, सभी लोग अपना वीडियो ऑन करें। जी हाँ, और इस वक्त होस्टिंग जो कर रहे हैं जगदेव आप कर रहे हैं इस वक्त हमारे एडमिन जी पैनल पे। जी हाँ जगदेव आप हैं। कल मैंने धीरेन्द्र को कुछ पिक्स दिए थे, मैडम, वो आपके पास आ गई हैं। अभी जी मैडम। जी वेरी गुड। तो चलिए आज का सेशन जो हमारा है सम नेचुरोपैथी टिप्स, सम प्रैक्टिकल टिप्स, ताकि आप घर के कंफर्ट में बहुत इजीली वो कर सकें एंड इट विल हेल्प यू मैनेज योर वेट ड्रास्टिकली। सो सबसे पहले एक तो यू आर ऑल अवेयर के आपका बीएमआई जो है 25 से नीचे रहना चाहिए। ओबेसिटी में बीएमआई हम लोग सभी जानते हैं कि जो हमारा वेट और हाइट का जो डिवीजन करते हैं फॉर्मूला आप देख भी सकते हैं, तो बीएमआई उसको नीचे रखना। दूसरा मेजरमेंट जो आपको अपने आप कर सकते हैं वो जो है वेस्ट टू हिप रेशियो जो होता है आपका, वेस्ट मेजरमेंट हिप मेजरमेंट, और उसका रेशियो फॉर मेन इट शुड बी 0.90 एंड फॉर फीमेल इट शुड बी 0.85। तो ये आप मेजर करके अपना चेक कर लीजिएगा। तो और फिर पूरे जोशो खरोट से, और देखिए इस जो है कार्यक्रम में अभी हमारा 1 हफ्ता बीता है, अभी हमारे जो है 3 वीक्स और बाकी हैं और दे कैन डू वंडर्स फॉर योर लाइफ। तो सबसे पहला जो टिप है जो प्राकृतिक चिकित्सा में, और आजकल वर्ल्ड ओवर हम बहुत सारे फास्टिंग की बात करते हैं, तो फास्टिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन फॉर रिड्यूसिंग वेट। बस जानना इतना है कि उसका एक साइंटिफिक मेथड है कि करें कैसे, तो ये हमारे लिए टेक्निक जानना, ताकि कई बार अगर हम गलत तरीके से उपवास रखते हैं तो इट डज मोर हार्म देन गुड। हमें क्या ध्यान रखना है, ये कुछ डिस्टरबेंस आ रही है प्लीज काइंडली चेक म्यूट कर दें। तो हमें ये ध्यान रखना है जैसे कि अब ये मैं अपने जो डाइटरी प्रोग्राम के विषय में जो है, एक अगर किसी को वेट रिडक्शन करना है तो उसका सिस्टमैटिक डाइट प्लान क्या होना चाहिए, ये जो प्रोटोकॉल है मैं आपको टाइप करके दे दूंगी। अगर किसी के पास अपना अभी नोट करना चाहते हैं तो अभी नोट कर ले, अदरवाइज आई विल पोस्ट, आई विल राइट इट डाउन, जॉट इट डाउन द प्रोटोकॉल एंड पोस्ट इन द ग्रुप, सो नो वरीज देयर। इसमें सबसे पहले फास्टिंग का नियम समझिए। जैसे ही हम किसी फास्टिंग रेजिम पे आते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है हमारा एलिमिनेटिव ऑर्गेन्स का रिजुविनेशन और डिटॉक्सिफिकेशन। इसके लिए मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 3 दिन आप जूस पे, यानी कि 3 दिन हमें फलार करना है। ये 3 दिन से 7 दिन तक जब हम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में जो हमारे पेशेंट्स आते हैं या उनको हम 7-7 दिन तक जो है केवल फलाहार कराते हैं। फलाहार का मतलब होता है कि आप नींबू पानी पियेंगे, नारियल पानी पियेंगे, फ्रूट जूस लेंगे या फ्रूट्स लेंगे या वेजिटेबल जूस लेंगे, सारा दिन इसके अलावा कोई और चीज नहीं लेंगे। तो ये क्रम अपनी क्षमता से कोई भी व्यक्ति 3 से 7 दिन तक पहला चरण जो होता है। लेकिन कुछ जैसे दिक्कत आई लोगों को मुझे पता चला तो फिर मुझे वो चेंज करना पड़ा। बिमला बैद जी कहाँ हैं, उन्होंने 3 दिन कंटिन्यूअस किया था ये। बिमला बैद जी कहीं आप मेरे को सुन रहे हैं, नमस्ते, नमस्कार, नमस्ते, आप सामने आइए नमस्कार बिमला जी, आप हमारी टॉप टॉप जो कहते हैं साधक हैं इस ग्रुप की, उसका कारण बताती हूँ, आइए पहले सामने। जी नमस्ते, मैं सामने आ गई, मैं देख क्यों नहीं पा रही आपको, 1 मिनट। मैं सामने आ गई। हाँ, अब बिमला दिख रही बैद हूँ मैं? मैं नहीं देख पा रही, ऐसा क्यों हो रहा है? आप नहीं जी देख पा दिख रहे रहे हैं, हैं? आ रही है फोटो, तो आ रही है मेरी। फोटो तो आ रही है, मेरे पास नहीं आ रही, ऐसा क्यों हो रहा है जगदेव? सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, सब है। यहाँ तो आई है, सभी को दिखाया मैडम, कोई अच्छा बात ओके, नहीं, कंटिन्यू की। चलिए ठीक है।
विमला वैद जी, इन्होंने 3 दिन जो है, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए विमला जी, आपने सारा सारा दिन क्या किया था आपका मैंने जूसेस पे रही थी और सब्जियों का उबाल के खाया था और सूप पिया था और नमक नहीं खाया था, आपने नमक का मना जी, किया जी, था जी, जी, जी. मामूली सा बहुत कैसे ही होने लगा था, मामूली सा नमक लिया था हल्का सा जी. एक बार एक दो बार बस, कैसा एक्सपीरियंस रहा? वैसे तो अच्छा रहा, पर ये डाइटिंग में ये मैं कैसे चलाऊंगी 1 महीना? आपने शायद 1 महीने का दिया है ना, वो तो बड़ा मुश्किल है, या 1 महीने का नहीं है? नहीं नहीं वो आपने डाइट प्लान खोल के नहीं देखा, वो उसमें बिल्कुल डिफरेंट डाइट प्लान है, उसमें तो बहुत कुछ खाने को दिया है, जिसमें कि 12 बजे तक फल हैं, सवेरे एक जो है शोधक पेय है, कि फिर उसके बाद आपके जो है सलाद है ना भोजन से पहले। सभी लोग आप प्लीज नोट करें कि जो क्वांटिटी ऑफ फ्रूट है, एक बार मैं फिर दोहरा देती हूँ, शायद विमला बैद जी ये डाइट प्लान खोल नहीं पाई है। नहीं, मैंने मैंने डाइट प्लान देख लिया है, उसी हिसाब से मैंने किया है सब चीज, लेकिन पहला अब नहीं, अब मेरे को आज 5वां दिन है, तो अब क्या देंगे वो आप बताएंगे मुझे जी। हमने देखिए, सभी लोग नोट कर लें कि जिनकी जितनी क्षमता है आप उतने दिन तक जो है, हमने फास्टिंग जो जूस पे विदाउट नमक और विद ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जैसे इन्होंने बताया बॉइल्ड वेजिटेबल ले लीजिए, सूप ले लीजिए, बस इस क्रम पे रहना है। पहला क्रम ये होना चाहिए 3 से 7 दिन, वो फेज आपका निकल चुका है। दूसरा फेज अब जो है वो, उसमें हम क्या करते हैं, अन्न एक समय कर देते हैं, यानी कि आपको भोजन में अन्न एक टाइम पर लेना है। इसका क्रम क्या होगा, सुबह उठ के आपने जो है आंवला पानी पिया या त्रिफला पानी, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है उनको आंवला त्रिफला ये जरूर लेना है, जो कि क्लेंजिंग में मदद करेंगे। इसके 2 तरीके हैं, रात को 1 चम्मच या 1.5 चम्मच आंवला त्रिफला भिगो के आप रख दीजिए रात को, सुबह मौसम के अनुसार से गर्म या ठंडा उसको करके आप पी सकते हैं छान के, और इसी तरह से आप नींबू शहद पानी ले सकते हैं। उसके बाद आपका जो है जो भी वर्कआउट वगैरह करना है, और आप उसके बाद वर्कआउट के बाद भी एक कोई जूस पी सकते हैं, चाहे वो नारियल पानी है, चाहे आप पेठे का जूस है, चाहे लौकी का जूस है। और ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट आपका जो है उसमें आपका जितना वजन है, अगर आप 50 किलो के व्यक्ति हैं महिला या पुरुष है, तो आपको 500 ग्राम फल 12 बजे तक खाने हैं। अगर आप 80 किलो के हैं तो 800 ग्राम्स आपको खाने हैं। तो इतना फल आप 12 बजे तक कैसे भी, 2 सर्विंग में, 3 सर्विंग में, जितना भी आपको सुविधा लगता है उस हिसाब से आप 12 बजे तक इतना फल खाइए। तो ये आपका जो है नाश्ते का क्रम हो जाएगा। इसमें कोई बिस्किट नहीं है, कोई चाय नहीं है, और चाय है, चाय की जगह मैंने प्रज्ञा पेय की रेसिपी डाली है। विमला जी, आपको ये सब चीजें अगर नहीं मिली है तो मैं दोबारा से पोस्ट कर दूंगी, प्रज्ञा पेय की रेसिपी, आरोग्य पेय की रेसिपी। तो ये आपको जो है बजाय चाय के आपको इन जो हर्बल पेय को पीना है, और यकीन मानिए ये टेस्टी भी है। उसके बाद आपका लंच में जो है, मैंने जो है कहा है आपको कि आप किसी दिन खिचड़ी, किसी दिन दलिया, लॉट्स ऑफ स्प्राउट्स हैं, सैलेड्स हैं, इससे आप अपना पेट भरिए। लेकिन कभी कभी आप लंच में ये भी कर सकते हैं कि आप अपना जो है, आपका कितना वेट है, मान लीजिए 50 किलो है, आपने 500 ग्राम फल रखे हैं, तो 250 ग्राम सैलेड आपकी बिफोर लंच होनी चाहिए। उतनी आप सैलेड खाइए, कच्ची रॉ खीरा, टमाटर, प्याज, जो भी आपको पसंद है, मूली, गाजर, पत्ता गोभी, कैप्सिकम, मटर, जो भी कच्ची रॉ खा सकते हैं वो अपना जो है उतना वेट के हिसाब से। अगर आप 80 किलो के हैं तो आपका 800 ग्राम्स तो फल की क्वांटिटी होती है, 400 ग्राम आपकी सैलेड की होती है, एंड दिस सैलेड हैज टू बी कंज्यूम्ड इन द लंच एज वेल एज इन द बिफोर डिनर। तो आपने ये सैलेड खा के आप रोटी सब्जी भी खा सकते हैं, किसी दिन खिचड़ी दलिया खा लिया, किसी दिन आप एक आध चपाती। चपाती में मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि गेहूं को छोड़ के, वो ज्यादा भारी होता है गेहूं, जो लाइटर मिलेट्स हैं बट फुल ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स है, चाहे रागी की रोटी, ज्वार की रोटी, मक्के की रोटी, अब आगे आगे बाजरा आएगा, तो ये जो मिलेट्स हैं ये इतने हैवी नहीं होते सिस्टम पे, और ये बहुत देर तक जो है हमें सैटिटी फीलिंग देते हैं, हमें बहुत देर तक भूख नहीं लगती है। तो इसकी आप 1-2 चपाती जो है, और सबसे अच्छा तरीका चपाती खाने का क्या है, मान लो जो लोग ऑफिस गोअर्स हैं वो उस चपाती में मोर देन 50-70% वेजिटेबल्स ग्रेट करके डाल लें,
फॉर एग्जाम्पल आपने मक्की का आटा लिया या ज्वार का या ओट्स का या कोई भी मिलेट्स लिए, उसमें आप जो है कद्दूकस करके आप चाहे लौकी डालिए, चाहे गाजर डालिए, चाहे प्याज डालिए, चाहे जो भी तोरी आ रही है आजकल, जो भी सब्जी न्यूट्रिशनल पत्ते पत्ते कोई भी पालक है उसका पेस्ट बना के मिक्सी में भी डाल सकते हैं, उसको आप मिक्स करके वेरी न्यूट्रिशियस रोटी बना के इट्स वेरी इजी टू कैरी। और एक टिप बता दूं कि जो लोगों को सुबह बनाने का टाइम नहीं है, आप दो रोटियां सुबह के लिए आप रात को डिनर में बना के रख लीजिए, वो सुबह इतनी टेस्टी लगती है। कई बार मुझे भी ऐसे मैनेज करना पड़ जाता है क्योंकि सुबह सुबह मेड्स भी नहीं आती हैं। तो इस तरह से अगर आपकी वेजिटेबल रोटी रात को आप एक्स्ट्रा बना के रख लीजिए और वो अब लंच में आप उसको गर्म करके चटनी के साथ या लाइट सब्जी के साथ, अगर सब्जी नहीं भी होती है, मेक सूप एंड चटनी पार्ट ऑफ योर रूटीन। आपके घर में हमेशा सूप, वेजिटेबल सूप कैसे बनाना है, कोई भी आप वेजिटेबल चाहे घिया, तोरी, सीताफल, टमाटर, और उसमें दो तीन इंग्रेडिएंट्स जरूर डालिए, जैसे लहसुन है, अदरक है, कच्ची प्याज है। जो लोग खाते हैं लहसुन वो लहसुन डालें, जो नहीं डालते तो वो अदरक और एका टमाटर टेस्ट के लिए। उसमें जो भी सब्जियां होती है थोड़ी सी गाजर डाल ली, थोड़ा सा एका टमाटर डाल लिया टेस्ट के लिए, उसको हल्का सा बॉईल किया, मिक्सी में क्रश किया, छाना, और उसमें जो है नींबू निचोड़ा या बहुत ही स्लाइट आप काला नमक और काली मिर्च डाल के एंड भुना हुआ जीरा डाल के, इट बिकम्स वेरी टेस्टी और आपको सैटिटी फीलिंग देगी। और आप बना के अगर रखा होगा, दो चीजें ये बना के रखिए, सूप हमेशा बना के रखिए और प्रज्ञा पे भी आप बना के रख सकते हैं, रात को बना के रख दीजिए 2-3 कप्स, ताकि जब भी हमारे साथ जब जिनको वेट रिड्यूस करना होता है अचानक से बहुत क्रेविंग्स होती हैं, उस टाइम हम कुछ नहीं सोचते और उल्टा पुल्टा खा लेते हैं, तो इससे पहले वो स्थिति आए अपने पास अगर सूप रखा होगा, आप गर्म करके 1 कप सूप पी लेंगे, हमेशा रेडी आइटम्स आपके पास रहेंगी, फ्रिज में स्प्राउट्स बने हुए रखे होंगे, चटनी बनी हुई रखी होगी, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग लाइक जब इमरजेंसी में अगर ब्रेड टोस्ट, वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करती, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो ब्रेड टोस्ट आपने किया, उस पे चटनी डाली, स्लाइसेस ऑफ टोमेटोस, खीरा, और जो भी, इतना अच्छा टोस्ट बन जाएगा, हेल्दी टोस्ट बन जाएगा। अदरवाइज तो आप मिलेट्स का रोटी, चपाती भी आप, मैंने आपको बता दिया है, आप एक्स्ट्रा बना के रखिए ताकि कभी भी उसको गर्म करके आप रोल बनाया चटनी के साथ एंड यू जस्ट ईट इट, सो उससे बहुत अच्छी सैटिटी फीलिंग एंड फुल ऑफ न्यूट्रिशन। डाइट में मैंने बता दिया कि अब आपका जो क्रम चल रहा है, लंच तक हम पहुंचे थे कि आपने सैलेड खा ली, फिर या खिचड़ी दलिया खाया, और फिर उसके बाद अपने नॉर्मल आप जो है कोई भी मिलेट्स वाली रोटी वगैरह खा के और सब्जी भी ले सकते हैं। एक्सक्यूज मी, अब हम नमक खा सकते हैं ना? जी जी, हल्का, जितना हल्का ही हल्का बिल्कुल, और नहीं, हल्का ही खाते हैं। जिन चीजों में अवॉइड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आप सैलेड खा रहे हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि उसमें नमक डाले, स्प्राउट्स खा रहे हैं तो, और मैं तो सूप भी कोशिश करती हूँ कि उसको बिना नमक के पीऊं, लेकिन अगर नहीं पिया जा रहा तो हल्का सा डाल लीजिए। तो जहां पे अवॉइड कर सकते हैं आप सब्जी, आप बिना नमक के खाना थोड़ा मुश्किल हो सकती है, तो आप इन सब चीजों में, क्योंकि आपकी डिटॉक्सिफिकेशन में नमक विल हैम्पर द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। नमक जहां जहां बॉडी में जाता है वहां वाटर को होल्ड करता है, इसीलिए वाटर होल्डिंग हो जाएगी तो वेट गेन होगा, आपके टॉक्सिन्स एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे, तो इसे हमें ध्यान रखना है। नमक यूज भी करना है तो सेंधा नमक। तो फास्टिंग की ये प्रक्रिया में आपका फर्स्ट रेजिम था कि बिल्कुल आपने अन्न नहीं खाना, अगला स्टेप आता है कि आपको एक समय अन्न खाना है। ये क्रम अब हम आपका, जैसे कि अब हमारे पास 3 वीक्स हैं, तो हम 1 वीक हम इस तरह से चल सकते हैं, एक समय अन्न खाकर जो आपको, और रात के डिनर में भी आपको मैंने बताया है सूप्स खाइए, बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाइए, और आप सैलेड खाइए, रात को सोक्ड ड्राई फ्रूट्स, अगर आपको डिनर के बाद कुछ मीठे की क्रेविंग होती है आप अपनी फ्रिज में बना के रखिए एक सोक्ड, जो लोग डायबिटिक नहीं है वो अपना 2 अंजीर, 5 मुनक्के, 10 किशमिश, और ये ग्रेटिंग्स ऑफ द फ्रेश कोकोनट,
ये आप बना के रखिए, आपने 7 बजे 6 बजे जब आपने डिनर कर लिया, सूप ले लिया, सैलेड ले लिया, बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले लिए, तो रात को आपको भूख लग सकती है, उस समय के लिए आप वो स्नैक बॉक्स निकालिए अपना, ड्राई फ्रूट्स वाला, फ्रूट्स खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं, ताकि उस टाइम आप बिस्किट्स और ऐसे जंक की तरफ नहीं जाएं। तो ये अगर टिप्स आप फॉलो कर लेंगे, इस एक हफ्ते के बाद हम जो है फिर से अगले हफ्ते की जो है चर्चा करेंगे। मैं एक रफ आइडिया दे दूं कि एक बार आपने अन्न खाया है, उसके बाद फिर हम फलार पे आएंगे, यानी कि हम बिल्कुल अन्न बंद कर देंगे, कोशिश करेंगे 3 दिन का रिस्ट्रिक्टेड एकदम स्ट्रिक्ट कर पाए, और 3 दिन के बाद फिर 1 दिन खाली नींबू पानी उस पे रहेंगे, सिर्फ नींबू पानी शहद पे पूरा दिन। ये मैं आगे का क्रम रफली बता रही हूँ। एक हफ्ता अभी हम एक समय के अन्न पे चलेंगे, वो डाइट प्लान जो आपके इसमें ग्रुप में पोस्ट किया हुआ है इस पर चलिए एक हफ्ता। उसके बाद हम 3 दिन का बिल्कुल नो अन्न रेजीम चलेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन लोग हैं 1 दिन का नींबू पानी का उपवास, दैट इज द एक्चुअली उपवास जो खाली नींबू पानी पे होता है, सिर्फ दिन में 4 बार नींबू पानी पीना होता है, तो वो देखेंगे कि कौन कौन लोग रख सकते हैं, कितनी क्षमता है, अपनी क्षमता से चलेंगे। उसके बाद फिर जो है आगे का क्रम मैं आगे बताऊंगी। अब जो है प्राकृतिक चिकित्सा जो आज का मेन फोकस था, उसमें आपको क्या करना है, हमारे सारे रोगों की जड़ हमारा जो है पाचन तंत्र होता है, हमारे पाचन तंत्र में सही से पाचन नहीं हो रहा, सही से एसिमिलेशन या अवशोषण नहीं हो रहा, और सही प्रकार से निष्कासन नहीं हो रहा, वही हमारे जो है फैट डेपोजिशन और बहुत सारे जैसे डायबिटिक हैं और बड़े सारे रोग हैं, तो उसका कारण, उसको हमें सबसे पहले दूर करना है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले पेट पर ठंडा गरम सेक डेली करना है, हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन ऑन द एब्डोमन डेली। इसमें करना क्या है, आप हॉट वाटर बॉटल ले लीजिए एक, और एक कोल्ड पैक का भी आता है वो ले लीजिए, या फिर इसका एक दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपके पास हॉट वाटर बॉटल है और एक टॉवल आप सादे पानी में डिप कर लीजिए, तो आपको 3 मिनट वो हॉट वाटर बॉटल रखिए। हॉट वाटर बॉटल के अलावा हम टॉवल से भी वो करते हैं कि आप दो अपने छोटे भगोने या बाल्टी लेके, उसमें एक में पानी गर्म पानी है, एक में सादा पानी है, नॉट द बॉइल मतलब कोल्ड वाटर, आइस वाटर नहीं, नल का पानी। अब आपने क्या करना है, पहले हॉट वाटर जो बॉइलिंग हॉट है उसमें आपने टॉवल दोनों एजेस पर ऐसे पकड़ के आप उस टॉवल को हॉट वाटर में डिप करेंगे और ऐसे स्क्वीज करेंगे जिससे आपका हाथ नहीं जलेगा। उसके बाद उसको देख के कि कितना सहनीय गर्म है, आप अपने एब्डोमन पे रख सकते हैं या फिर आप हॉट वाटर बॉटल। तो इसका क्रम क्या रहेगा, 3 मिनट आपको वो जो है हॉट फर्मेंटेशन देनी है एब्डोमन पर, पेट पर, और उसके बाद 1 मिनट आपको सादे पानी का टॉवल रखना है। तो ये क्रम जो 3 मिनट और 1 मिनट का, ये चलेगा 3 बार। ये मैं आपको जॉट डाउन कर दूंगी, डोंट नो नीड टू वरी, मैं आपको लिख के पोस्ट कर दूंगी। 3 मिनट 1 मिनट, 3 मिनट 1 मिनट, 3 मिनट 1 मिनट, ये क्रम हो गया हमारा। पहले शुरुआत हमने किससे करी, गरम से, गरम से, फिर 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गरम, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गरम, 1 मिनट ठंडा, ये 3 बार का क्रम हुआ। अब उसके बाद लास्ट टाइम हमें क्या करना है, 3 बार 3 मिनट गरम और 3 मिनट ही ठंडा, इससे हमारी एंडिंग होगी, ठीक है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, ये लपेट से अब तक आप लोग सभी लोग जो है परिचित हो चुके होंगे, अगर आपने लेक्चर्स मेरे देखे हैं। ये है कॉटन की बैंडेज, ये इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर, 1.5 मीटर की है, और इसकी चौड़ाई इतनी है 12-13-15 इंच होगी ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि हमारा स्टमक पूरा कवर हो जाए। अब ये देखिए, इसमें इसको पहले सादे पानी में हमें डिप करना है, निचोड़ना है, इतना निचोड़ना है ताकि कि इसका पानी ड्रिप नहीं करे। अब इसको जो है अपने एब्डोमन पर आप ऐसे चारों तरफ आप इसको 2-3 लपेटे आपके आ जाएंगे, ये आपकी गीली लपेट है। इसके बाद इसी के ऊपर आपकी सेम साइज की आपकी गरम लपेट है,
तो ये इसे कंप्रेस बोलते हैं हम प्राकृतिक चीज। इसमें ये नाड़े लगे हुए हैं क्योंकि लपेटने के बाद आपको टाई करना पड़ता है ताकि वो गिरे नहीं। तो ये आपको लपेट बांधी है, ये इसमें जो है देखिए, जब आपके शरीर पर आपने गर्म सेक किया तो जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हुई। जब डायलेट हुई तो भीतर का ब्लड जो है वो आपका बाहर सतह पर आएगा, और जब आपने उस पर ठंडा टॉवल डाला तो वो कंस्ट्रिक्ट हुई। कंस्ट्रिक्ट होने के बाद जो है वो ब्लड अंदर की ओर जाता है, और उसके बाद ब्लड जो है उसमें सर्कुलेशन पैपअप होता है, और टॉक्सिन्स लेके ब्लड जो है सतह की ओर भी आता है और निष्कासक अंगों में, चाहे वो पेशाब के थ्रू, तो आपके टॉक्सिन्स बड़ी तेजी से शरीर से बाहर जाते हैं। और याद रखिए, स्वस्थता का रास्ता टॉक्सिन्स जब तक शरीर में है, मल जब तक शरीर में है, आप जो है रोग मुक्त नहीं हो सकते। जैसे जैसे वो टॉक्सिन्स निकलते जाएंगे, आपके अंग प्रत्यंगों पे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता जाएगा, रक्त जो है अपने साथ जो है न्यूट्रिएंट्स लेके जाता है, एक एक ऑर्गेन को वो, जब एक एक सेल को वो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो वो रिजुविनेट और रिचार्ज हो जाएगा ऑर्गेन। एंड दैट इज द वे के हम जो है धीरे धीरे स्वस्थ होते चले जाते हैं। हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, हमारी जो कॉन्स्टिपेशन है, डिस्पेप्सिया है, हाइपर एसिडिटी है, बहुत सारे जो पाचन तंत्र से रिलेटेड है, और हमारी यहाँ पर जो ऑर्गेन्स है, पैनक्रियाज है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, पीछे हमारे किडनीज हैं, तो ये सारे ऑर्गेन्स जो है रिजुविनेट होंगे। ये लपेट और ये ठंडा गर्म सेक, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट विल हेल्प ड्रास्टिकली इन रिड्यूसिंग द वेट। जो पेट का जो फ्लैश है वो ढीला हो जाता है, दैट विल टाइटन अप, आपकी स्किन में वजन घटेगा, जो स्किन लॉस हो रहा है उससे जो स्किन है वो लूजन अप नहीं होगी। तो ये आपको करना है। इसके अलावा आप एडमिन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी वो पिक्चर दिखा दे कटी स्नान की। हमारे जो प्राकृतिक चिकित्सा में हिप बाथ या कटी स्नान बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जिसे कहते हैं मिराकुलस ये है थेरेपी है। इसमें क्या करना होता है, अब हमारे को जो है टब अगर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र वाला अगर हमें नहीं मिलता, मान लीजिए जैसे पिक्चर में हम आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा अगर एनलार्ज, जी हाँ प्रोफेशनली तो ये टब है, ये तो घर में मिलेगा नहीं, तो घर में कोई भी एक प्लास्टिक के टब की फोटो दिखा दीजिए, जैसे एक ये है कोई भी बड़ा टब जिसमें कि आप बैठ सके, तो वो आप जो है टब ले लें, ये जैसे हाँ इस पिक्चर पे कोई भी बड़े साइज का आपको टब मिल जाता है, प्लास्टिक की शॉप पे मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको बोलते हैं कटी स्नान। आपको ये टब ऐसा लेना है, वहां पे दुकान पे आप बैठ के देख लीजिए कि आप उस पे बैठ पा रहे हैं, इतना स्टर्डी है कि नहीं, मजबूत है कि नहीं। सादे पानी में डेली आप सुबह उठे, अपने नित्य क्रम से फ्री होके टॉयलेट वगैरह जाके फ्रेशन अप होके, उसके बाद आप इसमें 15 मिनट पानी में बैठिए, और उसके बाद आप फिजिकल एक्टिविटी करिए, या वॉक करिए या योगा करिए, and it has tremendous marvelous effect not only on, thank you admin, that would be all, ye aapke jo kati pradesh hai wahan ka jo hai, yani ke yahan sare hamare digestive organs hain, hamare genitals hain, even cancer tak ke rogon mein, jo female mein cervical cancer hota hai, males mein prostate ki problem hoti hai, yadi aap ye kati snan regularly 15 minute ka hai, इसमें कुछ नहीं करना है, बस यही ध्यान रखना है जैसे हम एक्सरसाइज का नियम होता है कि हमारा, अगर आप सुबह नहीं कर सकते तो आप शाम को ऐसा समय बना लीजिए, लेकिन उस समय ध्यान क्या रखना है कि आपका पेट खाली होना चाहिए। भोजन अगर आपने हल्का नाश्ता किया है तो 1 घंटे बाद कर लीजिए, अगर पूरी हैवी मील खाई हुई है तो उसके 3 घंटे बाद, और ये सिर्फ 15 मिनट बैठना है। जब आप उस टब में बैठेंगे, अपने हाथ में एक टॉवल लेंगे और आप क्लॉकवाइज अपने एब्डोमन, अपनी नाभि के आसपास रब करेंगे, तो जो हमारी आंतें हैं कई बार उसमें मल जो चिपक जाता है वो जो है उखड़ेगा, ढीला होगा, और फिर जो है वो हमारा निष्कासित होगा। तो ये आप इस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा में फिलहाल के लिए ये 2 बातें अगर आप कर लें, और धीरे धीरे आपको योगासन की अपनी जो समय है
इंटेंसिटी है वो तो हमारे बहुत एक्सपर्ट हैं जगदेव जी, वो आपको समय समय पर गाइड करते रहेंगे कि कैसे समय के साथ आपको ना केवल थोड़ी ड्यूरेशन बढ़ाएं, थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ाएं, और प्राणायाम वगैरह ये तो सब अच्छे से हो ही रहा है। और अगर आपका किसी दिन आपको, अगर आप हमारे योग के ये साधक हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत सीनियर हमारे केंद्र के जगदेव जी हैं एक्सपर्ट योगा के, तो कभी आप इनसे रिक्वेस्ट करके किसी एक दिन आपका अगर स्पेशल ध्यान का और कुछ विशेष ध्यान की टेक्निक, चाहे वो बीज मंत्र या अगर आपकी इच्छा हो तो आप इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये आपको कोई किसी दिन एक कुछ अलग से विशेष प्रयोग भी करवा देंगे, तो दैट विल बी ऑल द मोर बेनिफिशियल टू ऑल। सो इस तरह से हमारा जो है, इन चीजों को आप अपना लीजिए। डाइट में आपको सारी चीजें पता है, आपको स्नैकिंग किसकी करनी है, आपको स्नैकिंग के लिए मील्स का आपको पता चल गया, ब्रेकफास्ट पता चल गया, लंच पता चल गया, डिनर पता चल गया। ब्रेकफास्ट आपका 12 बजे तक आप स्प्रेड कर दीजिए, फल खाते रहिए, अपने वजन जितना है 80 किलो के तो 800 ग्राम, और अगर आप 80 किलो के तो 400 ग्राम आपको सैलेड लंच से पहले, 400 डिनर से पहले। अब स्नैकिंग की जितनी आइटम्स है उसमें आप जितनी बार चाहे प्रज्ञा पेय पीजिए, जितनी बार चाहिए आप नारियल पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, आप स्प्राउट्स बना के रखिए, स्प्राउट्स खाइए। देखिए स्प्राउट्स बनाने के भी दो तरीके बताती हूँ, एक तो स्प्राउट्स नमकीन बनते हैं जिसमें आप खीरा, टमाटर, प्याज वगैरह, नींबू वगैरह डाल के खा सकते हैं। जिनको थोड़ी सी कच्ची खाने में दिक्कत है वो बिल्कुल 5 मिनट के लिए स्टीम करें, ज़्यादा नहीं, नहीं तो उसके न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाएंगे। जस्ट 5 मिनट आप आधी सी करछी पानी डाल के कढ़ाई में रख देंगे, हल्की सी हल्दी डाल के, वो भाप में उतने पक जाएंगे, बस उतना ही हमें चाहिए, ज्यादा नहीं पकाना ताकि उसके एंजाइम्स नष्ट ना हो। उसमें एक तो ये नमकीन तरीका हो गया स्प्राउट्स खाने का, दूसरे आप मीठे कैसे स्प्राउट्स खा सकते हैं, जैसे आप सोक्ड किशमिश आप उसमें डालिए, छुआरा होता है उसको जो है भिगो के उसको छोटा छोटा बारीक काट के आप उसमें डालिए, नारियल के ग्रेटेड पीसेस डालिए, और भिगोई हुई मूंगफली, याद रखिए मूंगफली में बहुत गुण है और उसके अंदर इतनी सैटिटी फीलिंग है कि अगर आप वो मूंगफली खा लेते हैं विद द बाउल ऑफ स्प्राउट्स आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स है कि आप अपने पास ये सोक्ड मूंगफली और ये नारियल, कभी कभी स्प्राउट्स नमकीन फॉर्म में, कभी कभी इस तरह से किशमिश, डेट्स और नारियल और मूंगफली डाल के, भीगी हुई मूंगफली, सोक्ड मूंगफली डाल के आप इसको खाइए, तो आपको जो है आनंद आएगा। उसके बाद आपको स्नैकिंग के लिए आप ग्रेटेड नारियल वैसे भी खा सकते हैं कभी भी। तो इस तरह से आपके पास स्नैकिंग की काफी आइटम्स हो गई हैं, तो सारा दिन में आपको भूखा नहीं रहना है, आपको जो भी खाना है हेल्दी खाना है, बस इस तरफ ध्यान रखना है। और आप वर्कआउट कर ही रहे हैं सुबह, और सबसे ज्यादा तो बिमला जी को मैं कहूंगी कि ये क्या कहते हैं, इस कैंप में आप इस एज में कर रहे हैं, आप सबके लिए एज इंस्पिरेशन है पूरे ग्रुप के लिए, तो लगे रहिए और जुड़े रहिए, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कभी भी कोई दिक्कत आती है कोई चीज फॉलो करने में, कोई एक जैसे कि कोई रेसिपी, जैसे मैं दो ड्रिंक्स भी बताती हूँ, जैसे कि तिल की ड्रिंक है, तिल एक मार्वलस जिसे कहते हैं फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, प्रोटीन, बहुत कुछ उसके अंदर होता है। 2 चम्मच अगर आप तिल भिगो के, लगभग 1 से 2 घंटा ही भिगोना है, और उसको फिर उसका पानी ड्रेन करके, और आप फर्स्ट क्लास उसमें जो है कोई भी केला या कुछ, कोई भी चीकू या कोई भी फल आप डाल के उसको स्मूदी बना सकते हैं, या खाली उसमें पानी डाल के, जैगरी डाल के भी आप उसको बहुत ही अच्छी ड्रिंक बना सकते हैं, जिससे कि आपको सैटरडे फीलिंग में। इसी तरह से आप जो अलसी के बीज है, फ्लैक्स सीड है, वो भी 2 चम्मच लीजिए, आधा घंटा भिगोइए, कुल आधा घंटा उसका पानी जो है, पहले उसको अच्छे से वॉश करके, ड्रेन करने की जरूरत नहीं है, फिर आप उसको जो है उसमें पानी डाल के, नींबू और आप उसको शहद या जैगरी डाल के, बहुत ही, और ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से पाया है, उससे बहुत देर तक सैटिटी फीलिंग रहती है, आपको बहुत देर तक कुछ खाने का, मतलब यू फील फुल एंड आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड है, लिनोलिक एसिड है, बहुत कुछ फ्लैक्स सीड आपको,
जी गेटअप 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 जी तो इस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा की टिप्स मिल गई, डाइट की मिल गई। आप अपने अगर सुबह आप योग कर रहे हैं, जो लोग अगर शाम को वॉक कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, वॉक करिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इस तरह से मैं अपनी जो लेक्चर को विराम देती हूँ। अगर आपके आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। और मुझे, जी मुझे पूछना है, ये मेरे को चाय की बड़ी आदत है, तो उसमें गुड़ डाल के मैं चाय पी सकती हूँ? आप दूध और चीनी के बगैर चाय पीजिए, या फिर आपको प्रज्ञा पे की रेसिपी मिली है कि नहीं मिली? वो मिल गई, वो भी मैं पी लूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर चाय का क्या नाम, चाय का क्या, नशे का माथा दुखने लग जाता है, हेड दुखने लग जाता है। ये शुरू शुरू में दिक्कत है, ये शुरू शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन यकीन मानिए आप दिन में दो चाय पीती है ना, हाँ, तो दो में से एक प्रज्ञा पे पहले कीजिए। नहीं वो तो मैं पी लूंगी, वो बन रही है मेरी यहाँ पर अभी। और मैं ये सोच रही थी, मुझे चाय की आदत है, मैं आज मैंने देखा टेस्ट गुड़ में, गुड़ डाल के पिया मैंने तो वो टेस्टी लग रही थी। तो हाँ। दूध तो मैं इतना बहुत कम लेती हूँ, दूध तो बहुत कम लेती हूँ। आप क्या करिए कि जो प्रज्ञा पे आरोग्य पे मैंने दी ना, प्रज्ञा पे इतनी टेस्टी लगेगी आप मिस नहीं करोगे अपनी नॉर्मल चाय। तो कोशिश करिए, देखिए फ्रीक्वेंसी, कोई भी चीज जो है इट टेक्स टाइम, एकदम से सब कुछ नहीं होता, धीरे धीरे चेंज लाइए और डेफिनेटली होगा। एक समय पर मैं भी ये सोचती थी कि चाय के बगैर मैं रह नहीं पाऊंगी, जब लेकिन मेरे को 2 महीने प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में मैं जब मैं रही अपनी ट्रेनिंग के दौरान, तो मैंने वाटर फास्टिंग भी करी 7 दिन, और वो मेरे लिए अद्भुत एक्सपीरियंस था, और मैं बिना चाय बिना नमक के भी रही उन 2 महीने। तो मैं भी फर्स्ट टाइम 3 दिन नमक भी कर रही हूँ। बिल्कुल, तो ये आप करके देखिए, आपके भीतर ही चमत्कार है। So, 2 किलो वजन घटा मेरा 3 दिन। अरे वाह, फैंटास्टिक, लगे रहिए। तो चलिए फिर आज के, और लंच लंच में लेना है रोटी और नहीं लेनी है, एक समय अंध कीजिए, चाहे एक आध रोटी लीजिए, चाहे खिचड़ी चावल दलिया, ये दलिया ले सकते हैं, दलिये में भी जौ का दलिया बहुत अच्छा है, वीट से ज्यादा अच्छा है। तो थैंक यू ऑल, हैव अ वेरी वेरी ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you.